प्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने आपको CBSE के द्वारा जो हटाए गए पार्ट हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया है कि आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के आरोह भाग दो, जिसमें गद्य और पद्य के अंतर्गत कौन कौन से पाठ आपको हटा दिए गए हैं। आज हम आपको एक गद्य से नया जो पाठ है वो शुरू करने जा रहे हैं और पाठ का जो नाम है उससे पहले थोड़ी आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं ये आपके दैनिक आवश्यक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम पाठ के बारे में आपको अध्ययन कराएं। आप जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं आज, उस पाठ का नाम है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी एक मनोविश्लेषणवादी लेखक हैं, जिन्होंने आज की जो बाजारवादी हमारी जो प्रवृत्ति है उससे हमें अवगत कराया है। वैसे तो बाजार हमेशा से ही हम पर हावी रहा है, लेकिन उनका मानना है कि ये जो बाजार दर्शन है वो धीरे धीरे हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि बाजार में जो दुकानें हैं उनके आगे कितनी भीड़ लगती है और कैसे बाजार का जादू हम पर सिर चढ़ करके बोलने लगता है। हम इस महंगाई के दौर में आज चाहे हम 50,000 रुपये लेकर बाजार चले जाएं, परंतु हमारी जेब में वो 50,000 रुपये का सामान है वो आ जाएगा। हमारी आवश्यकताएं बढ़ी हैं, हम एक दूसरे को देख करके प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन सब चीज़ों को जैनेन्द्र कुमार जी ने इस बाजार का जो दर्शन है पाठ में बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमने आपको बाजार के दर्शन कराए। इन पिक्चरों को देख करके आपकी समझ में आ गया होगा कि बाजार के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कहीं न कहीं हम उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, कहीं न कहीं हमें वो चीज़ें प्रभावित करती है। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। हम यहाँ पर बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राहक किस तरीके से एकत्रित होते हैं और किस प्रकार से दुकानदार अपनी बेचने वाली जो वस्तुएं हैं उनको सजाते हैं। वैसे तो आपने एक 9वीं कक्षा के अंतर्गत उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ी होगी और उस उपभोक्तावाद की संस्कृति में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से
टेलीविज़न पर, अखबारों में जो विज्ञापन हैं वो हमें प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। परंतु जैनेन्द्र कुमार जी ने साक्षात उसी से रिलेटिव, उसी पाठ से जोड़ते हुए यहाँ पर उनके बाजार का हमें दर्शन है वो कराया है। सबसे पहले कुछ प्रश्न है आपके समक्ष, प्रस्तावना प्रश्न। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये कथन किस उत्पाद से संबंधित है? आप सब जानते हैं इसको, आपको सोच के आप जान जाएंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यह हमें आकर्षित करने के तरीके हैं। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं, हम अपनी आवश्यक वस्तुएं कहाँ से खरीदते हैं? आप सब जानते हैं कि हम अपनी आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो बाज़ार से खरीदते हैं। और किस प्रकार से हम जाते किसी एक वस्तु को ख़रीदने हैं, परंतु बहुत सारी चीज़ें जब हमें बाज़ार में दिखती है या दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं हमें वो अपनी ओर आकर्षित करती है, हमारी मांगें बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से अगला है, अपने पसंद के उत्पाद की विज्ञापन पंक्तियाँ सुनाइए। तो कई प्रकार के विज्ञापन आते हैं, जैसे डर के आगे जीत है, और भी कई विज्ञापन हैं जो आपको पहले उसमें बताया कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और इस प्रकार से कई ऐसे विज्ञापन की जो पंक्तियां हैं जो हमें आकर्षित करती है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे कोई साबुन हो, चाहे कोई शैम्पू हो, चाहे कोई फ्रिज हो, चाहे कोई एलईडी टीवी हो, सबका विज्ञापन एक तरीके से कहीं ना कहीं हमें आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बाज़ार का कौन सा रूप सर्वाधिक लोकप्रिय है? बाज़ार का कौन सा जो रूप है वह सर्वाधिक लोकप्रिय है? बाज़ार का रूप कैसा है लोकप्रिय? क्योंकि बाज़ार के जब हम दर्शन करते हैं, बाज़ार में जो चीज़ें हैं जो हम टीवी पर देखते हैं, उन्हें हम बाज़ार में लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बाज़ार से जो चीज़ें हैं वो बाज़ार का वो आकर्षित करने वाला जो सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। आइए देखते हैं लेखक का परिचय। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 में हुआ, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, सुनीता, त्यागपत्र इनका उपन्यास है, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, पायजेब इनका कहानी संग्रह है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो कई प्रकार के इनके उपन्यास कहानियां हैं, इसके अलावा साहित्यिक जो सम्मान है वो भी इन्हें मिल चुके हैं। इसके अलावा हिंदी में इन्हें प्रेमचंद के बाद प्रमुख कथाकार के रूप में जाना जाता है। सन 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र उपन्यास ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में पहचान दिलाई। 1937 के बाद में इनका लेखन जो कार्य है मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान का मतलब लोगों की मनस्थितियों को पहचान करके अपनी कहानी उपन्यास और लेखों के द्वारा उद्घाटित करना, दूसरों की मन की बात को कलम और कागज के माध्यम से लेखनी चलाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करना। जो इन्होंने पाठ लिखा है बाजार दर्शन वास्तव में ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ों को हम बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाते हैं, और हम ये भी पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम खरीद नहीं पाते हैं, तो उसके बाद में उस दुकानदार से बोलते हैं, भैया आज थोड़ा सा हमने ख़रीदारी ज़्यादा कर ली है, कल इस
सामान को खरीदने के लिए दोबारा आएंगे। दुकानदार एक से एक चमक दमक वाली चीज़ें हमें हमारे समक्ष रखता है। तो इसी प्रकार से मनोविश्लेषणवादी ये लेखक हैं, और जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, फोटो में देख रहे हो, तो इस तरीके से हम लेखक के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से जैनेन्द्र कुमार जी ने बाजार का जो दर्शन है उसमें हमें एक मनोवैज्ञानिक आधार पर समझाने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं हम इस निबंध का सार। देखिए, यह एक मनोविश्लेषणवादी निबंध है और निबंध में बताया है कि बाजार की जादुई जो ताकत है, बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को साझा किया, यहाँ पर उन्होंने अपने मित्रों के उस पारिवारिक के संबंधों को जाहिर किया है कि किस प्रकार से बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपने गुलाम बना लेती है। हम बाजार की जो जादुई ताकत है उसके गुलाम बन गए हैं, और ख़ास तौर से आज की जो युवा पीढ़ी है वो एक तरीके से उसकी गिरफ्त में इतनी आती जा रही है कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। पहले के ज़माने में लोग बहुत कम संसाधनों में ही अपनी आवश्यक जीवन की जो चीज़ें हैं उसमें काम चला लेते थे। पहले गांव में जो लोग हैं वो मिट्टी से नहाते थे, महिलाएं बालों में मिट्टी लगाती थी और उससे बाल उनके बिल्कुल निखर जाते थे। आज हम विभिन्न प्रकार के जो शैम्पूज हैं वो यूज करते हैं, अनेक प्रकार के फेस वॉश वो यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं। हम जानते हैं कि ये सब चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट है, ये कोई गुणकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार की जो ताकत है वह हमें गुलाम बनाती जा रही है, हम उसके दास बनते जा रहे हैं। आज शाम को हम टीवी देखते हैं, उस पर कोई विज्ञापन आता है, दूसरे दिन हम बाज़ार में पहुंच जाते हैं। जितनी हमने तरक्की की है, जितनी हमने अत्यधिक विज्ञान की ओर बढ़े हैं, उतने ही हम हमारी पुरानी चीज़ों की गुणवत्ता को भूल रहे हैं और बाजार की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं। पहले लोग कम बीमार होते थे, स्किन प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन आज विभिन्न प्रकार के अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम बाजार के जादू के गुलाम बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार से जादूगर अपने जादू से विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाता है, लोगों को लगता है कि इसने आदमी को कबूतर बना दिया, लेकिन वो नज़र और सफाई का खेल है। ऐसे ही बाजार भी नज़र लोगों को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित किया जाए। अगर हम अपनी ज़रूरतों को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर दोनों प्रकार की चीज़ों को दिखाया है लेखक ने। अगर हम ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं उनको ठीक ठीक समझें कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन की नहीं है, लेकिन आप और हम नहीं,
सभी लोग जब किसी आस पड़ोस के घर में जाते हैं और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के हम, चाहे वो सजावट का सामान हो, चाहे वो सोफ़ा हो, यहाँ तक कि हम हेयर स्टाइल तक की नकल है हम करते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को ठीक ठाक समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम अपनी ज़रूरतों को ठीक ठाक समझें तो बाज़ार का हम सही उपयोग कर सकते हैं। हम एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखते हैं कि हमारे घर में एलईडी नहीं है, तो दूसरे के घर में जाकर देखते हैं तो हमारे घर में एलईडी होनी चाहिए, चाहे महीने भर के राशन में कमी आ जाए परंतु पड़ोसी से हमें कम नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग सही नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद में आगे उन्होंने बताया है उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार बाज़ार का उपयोग न करके उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाज़ार की चमक दमक में अगर एक बार हम फंस गए तो असंतोष रहेगा। हम चाहेंगे कि हमने ये चीज़ तो खरीदी नहीं। हमारी तृष्णा, जिस तरीके से रेगिस्तान का प्यासा हिरण कभी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है, क्योंकि रेत को पानी समझकर भ्रमवश इधर उधर दौड़ता है, उसी प्रकार से बाज़ार का जादू हमें घायल कर देगा। क्योंकि बाज़ार चमक दमक वाला है, तभी तो उसका नाम बाज़ार है, अन्यथा सुबह उठकर के हम कितना व्यायाम करते हैं, कितना योग आसन करते हैं, 8 बजे तक सोते रहते हैं। अगर हम पुरानी चीज़ों को अपनाएं, आवश्यकता के अनुसार बाज़ार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो घायल हमें ये बाज़ार कर देगा, हमारी इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होगी और हम बेकार बन सकते हैं, हमें बेकार बना देगा। इसीलिए कबीरदास जी ने भी कहा है कि गज धन गोधन बाज धन और रतन धन सोई, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। यानी संतुष्टि ही एक तरीके से सबसे बड़ा धन है, वो कबीरदास जी ने भी माना है। आगे हम देखते हैं बाजार का जादू। देखिए बाजार का जादू क्या है, इससे पहले थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी ने जो इस पाठ को शुरुआत की है, एक बार की बात है, बात कहता हूँ, मित्र बाज़ार गए थे तो कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत सा बंडल पास थे। यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी ने जो शुरुआत की है कि एक मामूली चीज़ लेने के लिए बाज़ार गए परंतु एक बंडल बहुत सारा है वो उनके पास था। मैंने कहा ये क्या, बोले ये जो साथ थी मतलब उनकी पत्नी। मनुष्य या आदमी जो है वो इतना एक तरीके से बहुत चीज़ों के बारे में वो सामंजस्य बिठाता है, परंतु गृह स्वामिनी जो है उसकी बात का उल्लंघन आदमी नहीं कर सकता है, और इसीलिए उनके मित्र की उन्होंने यहाँ पर कथा का उल्लेख है वो किया है। उनका आशय यह था कि पत्नी की महिमा है, क्या महिमा है पत्नी की जो बाज़ार से बंडल लेकर के आए, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, क्योंकि पत्नी जो कहेगी बाज़ार में उन सब चीज़ों को खरीदना है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है।
क्योंकि व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। क्योंकि घर में सजावट, घर में बहुत सारी चीज़ें, ये सब स्त्रीत्व का ही एक तरीके से प्रश्न है। स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ू, फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा से विशेष वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसों की गर्मी या एनर्जी। क्योंकि पैसों की भी गर्मी होती है, उसकी भी एनर्जी होती है। जिसके पास में जितना पैसा होता है उसके अनुसार उन चीज़ों को वो खरीदता है। तो यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी ने ये उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से यहाँ पर वो बाज़ार से चीज़ें आती हैं, कैसे हम असंतुष्ट उनसे रहते हैं। तो अपने मित्रों के द्वारा उन्होंने इस बाज़ार के जादू को स्पष्ट करना चाहा है। तो ये जो गद्यांश है आपके समक्ष, इसे प्रश्न भी बनाए मैंने। बाज़ार में एक जादू है, वह जादू आँखों की राह काम करता है। किसकी राह काम करता है बाज़ार का जादू? आँखों से हम जिन चीज़ों को देखते हैं, वह रूप का जादू है। पर चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। तो इस तरीके से जब जेब भरी हो और मन खाली हो, तो ऐसी हालात में इस जादू का असर जो है वो चलता है। और आगे उन्होंने बताया, जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। दोनों परिस्थितियों में जादू चलता है, जेब भरी है, मन खाली है। अगर मान लीजिए कि जेब खाली है और मन भरा ना हो तो भी जादू चलता है। दोनों परिस्थितियां सामने आती है। मन खाली है तो बाज़ार की अनेक अनेक चीज़ों पर नियंत्रण उससे तक पहुंच जाएगा। अगर मन खाली है तो बाज़ार की बहुत सारी चीज़ों का नियंत्रण उस पर पहुँच जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी, कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमारी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, तब तो एक तरीके से मन हमारा मानने वाला नहीं है। हम हलवाई की दुकान पे जाते हैं लड्डू लेने के लिए, लेकिन जब देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को तो हम उनको भी खरीद लेते हैं, पर हमारी जेब को हमें देखा जाता है। क्योंकि जेब में पैसे हैं तो हम एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं। मालूम होता यह भी लू सभी सामान ज़रूरी है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। किसका असर है? यह सब जादू का असर है। क्योंकि हमारे पास पैसा है, जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायात आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। लेकिन जब हमारे पास में जब जादू उतर जाता है, पैसे हमारे खाली हो जाते हैं, तब उन चीज़ों को हम दोष देने लगते हैं। आगे देखिए आप, इनसे प्रश्न है, बाज़ार के जादू को रूप का जादू क्यों कहा गया है? क्योंकि बाज़ार का जादू को रूप का जादू इसलिए कहा गया है क्योंकि बाज़ार में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, और एक तरीके से बाज़ार में देख करके हम उन्हें खरीदने के लिए लालायित है वो होते हैं, इसलिए उसे रूप का जादू कहा गया। जब उसकी चमक दमक को हम देखते हैं, जेब भरी हो और मन खाली हो का आशय स्पष्ट कीजिए। दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति एक तरीके से फंस जाता है। जब जेब भरी हो, मन खाली हो, तो भी अगर मन खाली ना हो और जेब हमारी भरी ना हो तो भी हम असंतुष्ट रहते हैं। तो जेब भरी हो और मन खाली हो का आशय यह है कि कई दोनों ही रूपों में बाज़ार का जादू हमारे मन पर चलता है। बाज़ार का जादू किस तरह से व्यक्तियों पर अधिक असर करता है? जिन व्यक्तियों की जेब खाली और मन एक तरीके से असंतुष्ट हो, तो उन लोगों पर यह जादू ज़्यादा चलता है। जादू का असर उतर जाने के बाद में बताया आपको कि किस प्रकार से व्यक्ति सोचता है कि मैंने जो चीज़ें खरीदी है वो सही नहीं है, ये तो एक तरीके से दुखदाई है। और
इसी तरीके से यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी ने एक उदाहरण दिया है इस पाठ में भगत जी का, और भगत जी को एक पुराने बुजुर्ग के रूप में माना है जो चूर्ण बेचने का कार्य है वो करते थे। भगत जी का जो उल्लेख है मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। इसमें उन्होंने बताया है कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे जिनको लोग भगत जी कहते थे, चूर्ण बेचते थे, वे काम करते थे। कहने का तात्पर्य कि वो इतना ही चूर्ण बनाते थे और उन्होंने एक निश्चित कर रखा था कि मुझे इतने पैसों का ही चूर्ण बेचना है, बाकी मुझे ज़्यादा सेल है वो नहीं करनी है। तो इसीलिए आगे उन्होंने बताया है, लेकिन किसी एक दिन भी चूर्ण से उन्होंने 6 आने पैसों से ज़्यादा नहीं कमाए, यानी उनका काम था 6 आने पैसे कमाना, उससे ज़्यादा वो नहीं कमाते थे। चूर्ण उनका आस पास सरनाम है, यानी उनके चूर्ण को लोग जानते हैं, खूब प्रसिद्ध है वो, लेकिन व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलाते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, यानी उन्होंने उसको व्यवसाय नहीं बनाया। उनको 6 आने अगर पैसे मिल जाते तो उसके बाद में उन चूर्ण को वो इस तरीके से बच्चों को बेच दे, बच्चों को मुफ्त में ही दे देते थे। अगर भगत जी की तरह हम अपनी जीवन शैली को अपना लें कि हम निश्चित कर लें कि हमें इससे ज़्यादा हमारी आवश्यकताओं को नहीं बढ़ाना है। भगत जी ने अपने मन पर नियंत्रण रखा, अपने चाहे तो वो लोकप्रिय थे, प्रसिद्ध थे, लोग जानते थे कि इनका चूर्ण बहुत फायदेमंद है, लेकिन उन्होंने 6 आने से ज़्यादा चूर्ण कभी बेचा नहीं। अगर 6 आने कमाने के बाद में जो बचता उनको वो बच्चों को दे देते थे। तो इस तरीके से भगत जी की जीवन शैली को हमें अपनाना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कहीं आप भूल न कर बैठिए, इन पंक्तियों को लिखने वाला चूर्ण नहीं बेचता हूँ जी, नहीं ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। समझ गया कि लेख में किसी की मान्य पाठक के इस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की है। मैं हिम्मत कर सकता हूँ कि क्या जाने उस भोले आदमी अक्षर का ज्ञान तक भी नहीं है, यानी कि वो भोले आदमी क्या जाने उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं है। तो इस तरीके से इस पाठ के अंतर्गत जो बताया गया है कि किस प्रकार से उस चूर्ण वाले का उदाहरण दिया है और उस चूर्ण वाले के माध्यम से दोनों स्थितियों को क्लियर किया है कि पुराने ज़माने के लोग किस तरीके से संतुष्ट है वो रहते हैं। आगे कुछ इनसे कठिन शब्द दिए हैं, परचेजिंग पावर का मतलब खरीदने की शक्ति, असबाब का मतलब सामान, दरकार का मतलब ज़रूरत, परिमित का मतलब सीमित, अतुलित का मतलब जिसकी तुलना किसी से न की जा सके, और पेशगी का मतलब अग्रिम राशि, नाचीज का मतलब महत्वहीन। आगे कुछ प्रश्न हैं अर्थग्रहण संबंधी। इसके अलावा इस पाठ का हम लास्ट करते हैं, अंतिम पैरा इसका हम पढ़ते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। तो बाजार को सार्थकता भी वही लोग जानते हैं कि क्या हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसों से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देती है। यानी परचेजिंग जो पावर है, परचेजिंग पावर का मतलब होता है सामान को खरीदने की ताकत, तो वही एक तरीके से बहुत सारी शैतानी या विनाशक या बहुत सारी चीज़ों को जन्म है वो देती है। न तो वे बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। इस तरीके के लोग जिनको पास परचेजिंग पावर जो ऐसा है, नहीं तो एक तरीके से वो बाज़ार का लाभ उठा सकते हैं और न ही उसको लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? ऐसे लोग बाज़ार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, क्योंकि सामान बिकने खरीदने के लिए, जिसका महत्व है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती अर्थ परस्पर से सद्भाव की घटी है। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। कहने का मतलब बाज़ार से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बाज़ारवाद लोगों के मनों में भी आने लगा है, जो भाई को भाई नहीं समझ पाते हैं। आदमी आपस में और
पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि बेचने वाले दुकानदार की तरह और ग्राहक की तरह व्यवहार करते हैं। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, तो किस तरीके से बाज़ार का जादू चल रहा है, जो एक दूसरे का जो बाज़ार में ठगी का कार्य होता है वो आपस में आस पड़ोस और भाई और परिवार में भी होने लग गया है। एक ही हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, यह बाज़ार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। महाभारत में देखिए, अगर पांडवों और दुर्योधन और कौरवों के अंतर्गत कौरव चाहते थे कि हमेशा पांडवों का हित हो, वो चाहते थे कि उनका नुकसान हो, और इसी तरीके से यहाँ पर उन सब चीज़ों को भी भाई भाई के लिए भी एक परिवार के लिए भी लागू किया गया है। ऐसे बाज़ार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। और इस तरीके के बाज़ार में लोगों को क्या होता है, शोषण होता है, तब कपट सफल होता है, तब कपट इत्यादि भ्रष्टाचार इत्यादि है वो सफल रहता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाज़ार मानवतावाद के लिए विडम्बना है। ऐसा बाज़ारवाद मनुष्य के लिए क्या है, विडम्बना है। और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है, उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी शास्त्र वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो इस तरीके से वो क्या है, अनीति शास्त्र है। और लेखक ने यहाँ पर इसी बाज़ारवाद की संस्कृति को मानव से जोड़ करके देखा है कि किस प्रकार से लोगों में ऐसा परिवर्तन है वो आया है। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बाज़ार की सार्थकता किसमें है, बाज़ार से आनंद कब मिलता है, बाज़ार का नहीं जाना चाहिए और क्यों, बाज़ार का नहीं जाना चाहिए और क्यों, क्योंकि बाज़ार एक तरीके से हमें आवश्यकताओं को समझ करके इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये कुछ आप लोगों के समक्ष प्रश्न थे। इसी तरीके से हैं, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है, नवीन शब्द और उनके अर्थों का श्रुतिलेख करवाना, निपात की पहचान करना, उनका वाक्यों में प्रयोग कर सिखाना, कठिन शब्दों का अर्थ लिखना, और कुछ आपके ये अधिगम क्रियाकलाप है, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन करना, विद्यार्थियों द्वारा मौन वाचन करना, और किसी एक विद्यार्थी से पहले निबंध को पढ़वाना, काठिन्य निवारण, और ये एक तरीके से आप लोगों के लिए हैं। आप लोगों के लिए गृह कार्य है, टीवी के नए शोरूम पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है। बच्चों, ये बाज़ार दर्शन जो पाठ है वो आप दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं और हम किस तरीके से इससे अपने और इसकी ओर आकर्षित है वो होते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो इसे आप दोबारा से कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस पाठ को आपको पढ़ना आवश्यक है, जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दी गई है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जो समझ में आ जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद एवं शुभ दिन।